गर्मी का है मौसम, इसीलिए इन मंदिरों में जरूर जाएं। मौसम में बदलाव और अब गर्मियां आने को है, ऐसे में कई लोग गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए आम तौर पर हिल स्टेशन पर जाने का प्लान करते हैं, लेकिन अगर उसमें धार्मिक यात्रा भी जुड़ जाए तो क्या कहना। इसी को देखते हुए आज हम आपके लिए ऐसे मंदिरों की सूची लाए हैं जहां आप न केवल शहरों की बढ़ती भीड़ और गर्मी से निजात पा सकेंगे बल्कि धार्मिक यात्राएं भी सफल कर सकेंगे। बिड़ला मंदिर। ये मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। भोपाल में ये मंदिर अरेरा हिल्स पर है, जहां शाम ढलते ही सर्द मौसम अंगड़ाई लेने लगता है। भोपाल के मालवीय नगर क्षेत्र में अरेरा पहाड़ियों के निकट बनी झील के दक्षिण में स्थित है। यहां से भोपाल का भव्य नजारा देखते ही बनता है। सलकनपुर देवी मंदिर। ये मंदिर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के सलकनपुर गांव में है। 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर मौजूद इस मंदिर में माता बिजासन देवी की मूर्ति है। देवी माँ का ये मंदिर भोपाल से 75 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि राक्षस रक्तबीज के वध के बाद माता जिस स्थान पर बैठी थी उसी स्थान को विजयासन के रूप में जाना जाता है। इसी पहाड़ी पर सैकड़ों जगहों पर रक्त बीज से युद्ध के अवशेष नजर आते हैं। नवरात्र में इस स्थान पर लाखों श्रद्धालु मन्नत पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाने, जमाल चोटी उतारने और तुलादान कराने पहुंचते हैं। मेहर देवी मंदिर। ये मंदिर सतना जिले के मेहर तहसील में है। यहाँ माँ सती का हार गिरा था। मेहर में शारदा माँ का प्रसिद्ध मंदिर है, जो नैसर्गिक रूप से समृद्ध कैमूर तथा विंध्य की पर्वत श्रेणियों की गोद में अटखेलियां करती तमसा के तट पर त्रिकूट पर्वत की पर्वत मालाओं के मध्य 600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। ये ऐतिहासिक मंदिर 108 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ गर्मी के मौसम में भी सुकून देने वाली सर्दी रहती है। वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर शक्ति को समर्पित एक पवित्रतम हिंदू मंदिर है, जो भारत के जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की पहाड़ी पर स्थित है। ये उत्तर भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई और कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हर साल लाखों तीर्थयात्री यहाँ मंदिर का दर्शन करने आते हैं। तो ये थे वो मंदिर जहाँ आप गर्मियों की छुट्टियों में जाकर दर्शन कर सकते हैं।